उक्त जो आवेदन है वो एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई है उसको लेकर है, और जिसमें दो दिन दिवस पूर्व जो है मुक्तिनगर थाने में उक्त आवेदन दिया गया है। उक्त आवेदन अभी जाँच में है, आवेदन को बयान। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नैरावली विधायक को धमकी देने का एक ऑडियो वायरल हुआ है। समर्थकों ने एसपी को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। सागर जिले की नैरावली विधानसभा के विधायक प्रदीप लारिया को सूट करने की और जान से मारने की धमकी देने से संबंधित ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो सामने आने के बाद सोमवार को विधायक समर्थकों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने विधायक लारिया को धमकी देने वाले ऑडियो की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यहां बता दें, उक्त ऑडियो में आ रही आवाज फारूक खान की बताई जा रही है, जिसमें वह विधायक को सूट करने और दंगे करवाने की भी बात कह रहा है। साथ ही ऑडियो में विधायक प्रदीप लारिया व हिंदूवादी संगठनों के प्रति अपशब्द कहे गए हैं। उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में मोतीनगर थाने में भी आवेदन दिया जा चुका है। मामले का विरोध करते हुए दोषी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर अनिल वर्मा और सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। उक्त जो आवेदन है वो एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई है उसको लेकर है, और जिसमें दो दिन दिवस पूर्व जो है मुक्तिनगर थाने में उक्त आवेदन दिया गया है। उक्त आवेदन अभी जांच में है, उसमें आवेदकों के बयान अभी हो रहे हैं और उसमें जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी विषय को लेकर आज एक ज्ञापन यहाँ पर लोगों द्वारा एस पी ऑफिस में दिया गया है, वो भी जाँच का विषय रहेगा, उसमें भी सम्मत कार्रवाई जो की जाएगी। सर, क्या शिकायत की गई? शिकायत ये की गई है कि उक्त ऑडियो क्लिप में कुछ अभद्र भाषा का उपयोग है, उसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जांच के बाद उसकी जरूरी वैधानिक कार्रवाई होगी। जी, ये प्रदीप लारिया। विगत दिनों हमारे नरयावली विधानसभा क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक जी, मैं क्रिकेट एसोसिएशन के जो सचिव हैं, उनके द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी करने की धमकी दी गई, और सुनाने की कुछ हिंदुत्ववादी हमारे जो कार्यकर्ता हमारे संगठन के बारे में भी अपशब्द कहे गए, तो उसके खिलाफ कार्यवाही हेतु हम यहाँ एसपी साहब महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि उक्त व्यक्ति द्वारा जो भी ये कृत्य किया गया है बहुत ही निंदनीय है। एक लोकप्रिय जनसेवक के लिए ऐसे शब्द निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। एसपी साहब से हम अपना ज्ञापन के माध्यम से विरोध दर्ज करने आए थे, कृपया जल्द से जल्द ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। उनके सबसे लाइसेंस से सब अगर नई कार्रवाई मानी जाती है तो आगे क्या करें? नई कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से आज तो विधायक जी भोपाल में है, चूँकि वहाँ सत्र चल रहा है, विधायक जी के आने के बाद कार्रवाई करेंगे। आज तो हमारा शांति ज्ञापन था, रिवर्स पड़ेगी तो हम देंगे।